जोधपुर में कल रात और आज सवेरे हुई हिंसा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोची समझी सुनियोजित साजिश बताया। एक प्रेस वार्ता में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल उठाया कि पत्थरबाजों के पास एक ही तरह के एक ही रंग के पत्थर कहां से आए। पुलिस ने पीड़ितों पर ही लाठी चार्ज किया, सुनियोजित तरीके से पथराव किया, इसके लिए पत्थर लाए गए थे। अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। यह पूछा कि सुबह ईद की नमाज के बाद क्या लोगों को उकसाया गया कि शहर में हुड़दंग हुआ, घरों में घुस घुस कर कुछ लोगों ने मारपीट की। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है, और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। और करौली के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी हिंसा की खबरें हैं। बीती रात मचे बवाल के बाद आज सवेरे ईद की नमाज के बाद एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। पुलिस का दावा है कि इस समय स्थिति काबू में है और प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हैं। ये जोधपुर के जालौरी गेट का वो चौराहा है जहां एक बार फिर पुलिस पर पथराव हुआ है। पथराव के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और शरारती भीड़ को लाठी के दम पर यहां से खदेड़ दिया। लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दरअसल आज सुबह तनाव के बीच जालोरी गेट ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। उसके बाद ये भीड़ इस चौक पर इकट्ठा हुई और नारेबाजी पर उतर आई। विवाद और विरोध चौक पर लगे इस भगवे झंडे को लेकर था। कल रात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया गया। इसके बाद दूसरे समुदाय ने भगवा झंडे को हटाकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सुबह प्रशासन ने दोनों ही झंडे हटा दिए और तिरंगा लगा दिया। मगर इससे पहले आज सुबह जब ईद की नमाज के लिए जालौरी गेट ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौक पर भगवा झंडा देखा तो वो भड़क उठे। उन्होंने झंडे को हटाने की मांग की। इसी दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। जोधपुर के सनीचर जी थाना इलाके में 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। एक एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई समेत दूसरे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की मगर वो नारेबाजी पर उतर आए। प्रशासन लगातार उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था। इसके बावजूद जब भीड़ तीतर बितर नहीं हुई तो प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जोधपुर का ये मेन जालोरी गेट चौराहा है जहां पर झंडा लगाने के पीछे दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आप देख सकते हैं जहां पर इस समय तिरंगा लगा हुआ है वहां पर परशुराम जयंती के पर्व पर केसरिया झंडा लगाया गया था, जिसके बाद
जब ईद का मौका आया तो यहाँ पर उस केसरिया झंडे को हटाकर हरे रंग का झंडा लगा दिया गया। और जो सारा ये आप सर्कल देख सकते हैं, यहाँ पर जो भगवे झंडे थे उनको ऐसा कहा जा रहा था कि हटा दिया गया और हरे झंडों को लगा दिया गया, जिसके बाद उपद्रव मच गया। हल्के लाठीचार्ज के बाद भीड़ को हटाया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। इसी दौरान प्रशासन ने भगवा झंडे को उतार कर वहां तिरंगा लहरा दिया। प्रशासन शांति की अपील कर रहा है मगर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। धारा 144 लागू होने और नोटिस दिए जाने के बाद चौक पर भगवा झंडा कैसे लगाया गया? शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटना का सर उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। जालौरी चौराहे पर अब पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने RSC के साथ फ्लैग मार्च किया है। देर रात 1 बजे ही इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जयपुर से ADG स्तर के 2 अधिकारियों को भी जोधपुर भेजा गया। अशोक शर्मा के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक।